हाय फ्रेंड्स, शुभांगी किचन में आपका स्वागत है और मैं शुभांगी। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम पुराने तांबे के बर्तन को कैसे चमका सकते हैं, वो भी बिल्कुल नए जैसा, वो भी बिना कोई सोडा या विनेगर यूज किए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इसके लिए सिर्फ हमें चाहिए नींबू और नमक, जो कि हर घर में अवेलेबल होता है। तो ये एक पुराना बर्तन है मेरे पास, इसे मैं साफ करके दिखाती हूँ। तो ये नींबू सबसे पहले पूरे बर्तन पे इसे लगा दें, तो अच्छी तरह से सब जगह पे हमें इसे लगा देना है। अब हम इसे नमक लगाएंगे और इसे साफ कर लेंगे। तो ये देखिए, थोड़े ही इसमें ये बहुत अच्छी तरह से साफ हो रहा है, बिल्कुल ही हमें कुछ भी मेहनत नहीं लगानी पड़ेगी इसको साफ करने में। तो ये देखिए, आसानी से ये काला कलर जो है वो निकल जाता है। तो और एक बार मैं इसे स्क्रब कर लेती हूँ पूरी जगह पे। तो ये देखिए, बहुत आसानी से ये साफ हो जाता है, बिल्कुल भी मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती है हमें। अगर आपके पास पीतांबरी या कुछ और नहीं है तो आप इसका यूज कर सकते हैं आसानी से। अब मैं इसे अंदर से साफ करके दिखाती हूँ। तो ये देखिए, अंदर से भी बहुत ही जल्दी ये साफ हो रहा है। तो इसी प्रकार से मैं अंदर से भी कर लेती हूँ साफ। तो आप देख सकते हैं ये पूरा चमक रहा है। तो मैं अब इसे धो के दिखाती हूँ पानी से। तो ये मेरे पास पानी है, मैं इसे वॉश कर लेती हूँ। ये देखिए, बिल्कुल ही नए जैसा लग रहा है, ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ी हमें और कुछ भी नहीं। तो और एक बार मैं इसे अच्छे पानी से धो लेती हूँ। तो आप इसी प्रकार तांबे के जो बर्तन है आपके घर में वो चमका सकते हैं। अब मैं इसे कॉटन के साफ कपड़े से पोंछ लेती हूँ, क्योंकि बाद में इस पे काले दाग ना पड़े। तो ये मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो आप इस तरह आपके बर्तन चमका सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूले, ताकि आपको मिले मेरे वीडियो की अपडेट सबसे पहले। धन्यवाद।